हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी जो चल रहा है एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न चल रहा है, और आज जो है आज दूसरा क्लास है जिसका पहला क्लास ले लिए दोस्तों। जो नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके लिए भी लाभदायक हो सके। तो चलिए बिना लेट किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि दो गो है, एक का नाम है सोनी और दूसरा का नाम है दोस्तों मोनी, ठीक है। उसके बाद बोलता है दोनों का अंतर जो है ना 7 वर्ष है। कितना है? 7 वर्ष का अंतर है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बोल रहा कि यदि मोनी की आयु, जो मोनी की आयु जो है ना दोस्तों, यहां लिख देते हैं, ठीक है, जो मोनी की आयु होगा, ठीक है, सोनी की आयु का कितना है? 2/3 है, ठीक है। सोनी की आयु की जो है 2/3, यानी कि इसका 2/3, ठीक है, यानी कि इसका इक्वल में होगा। बोल रहा है जो मोनी का जो आय होगा ना, सोनी का 2/3, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, उसके जो है क्या है, बराबर है, यानी कि बराबर कर दिया। उसके बाद देखिए हम सॉल्व करना है इसको, अगर बराबर का कोना कोनी गुना करते हैं तो 3 गुना में इधर सोनी आ जाएगा ना, 3, यानी कि 3 इधर सोनी में आ गया, तो आप करना क्या है, 3 इधर आ गया, ठीक है। आप देखिए, अगर हम सोनी का अगर निकालना है या फिर मोनी का निकालना है, तो मोनी का अगर हम लोग निकालेंगे तो मोनी का हमारा कितना हो जाएगा, जो अगर हम बताएं रेशियो में जैसे बताए थे, अगर बराबर आ जाए जिसका निकालना है मान, उसको ढक देना है, या फिर जो मोनी है मोनी के सामने जो दिख रहा है वही उसका मान होगा, यानी कि मोनी के सामने क्या 2, तो 2, और उसके बाद सोनी क्या हो जाएगा, सोनी का आय कितना है, सोनी का कितना हो जाएगा, सोनी का सामने क्या दिख रहा है, 3, यानी कि अब पता चल गया कि मोनी है बराबर 2 और सोनी बराबर 3। अब बोलता है ये दोनों का अंतर कितना है, 7 वर्ष है, तो दोनों का अंतर 7 वर्ष है, ठीक है, बड़ा सोनी है, तो अंतर क्या अनुपात में अगर लिख सकते हैं हम लोग, अनुपात में सीधा बात, यानी कि अगर अनुपात में 3:2 लिख सकते हैं, अगर अनुपात है उसको एक्स मान सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं। अगर आप मान लीजिएगा एक्स का मान निकलेगा ऐसे या फिर एक का मान निकलेगा, लेकिन इसमें एक्स का मान मानना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इसमें जोड़ने या अंतर का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम लोग अनुपात में लिख लिए, अब हो रहा कि ये दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर मतलब क्या, 3x में 2x बराबर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना, 7 दिया है, तो अब अगर x का मान निकालेंगे 3 और 2 में जाएगा कितना बचेगा x, तो x का मान ऑलरेडी 7 आ गया, यानी कि x का मान 7 आ गया। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि सोनी की आय कितनी होगी, यानी कि सोनी, सोनी बराबर मैंने कितना 3 है ना दोस्तों, तो 3 है, तो एक्स का मान कितना आया, 7 है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ है ना, यानी कि 3 गुना में कितना 2, यानी सॉरी 7, यानी कि 7 है ना एक्स में, तो 7 या 21, ये जो निकल गया दोस्तों ये सोनी का आ गया, ठीक है। अगर यही बोलता मोनी का, तो मोनी का जो है ना 2 से गुना करते हैं 7 में, यानी कि 7 × 14, ये मोनी का होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सेम क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मेरा मकसद यही है कि प्रैक्टिस, ताकि दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो, ऐसे तो पहला क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा मार्कर बदल लेते हैं, मार्कर यानी कि क्वेश्चन में इसमें जो बोले दोस्तों बस वही करना है और कुछ करना नहीं होता। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला कि टीना और मीना, यानी कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, उसमें सोनी और मोनी था 7 वर्ष का अंतर था, इसमें टीना और मीना के में कितना है, 5 वर्ष का, यानी कि टीना जो है और मीना दो को दे दिया, शॉर्ट में लिख दिया टी और एम में, ठीक है। तो बोल रहा कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना, 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे में, बोला यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात करें, यानी कि मीना की आयु जो है ना, जो मीना की आयु होगा बराबर टीना की आयु का कितना होगा, 3/4 होगा, यानी कि 3/4 कर सकते हैं। सीधा सुनिएगा क्या बोला, यदि बोला कि यदि मीना की आयु, ये मीना की आयु जो होगा ना
टीना का 3/4 होगा, यानी कि टीना का 3/4 यानी कि इसके बराबर ई होगा, इसलिए बराबर का चिन्ह दे दिए। ठीक है, तो अब बोलता है टीना की आयु क्या होगा। तो चलिए अब पता करते हैं टीना और मीना का कितना रेशियो है। हम बताए थे कुछ समझ में नहीं, तब बराबर तो कोना कोनी गुना, यानी कि 4 गुना में एम करेंगे ना, तो 4m हो जाएगा यानी कि मीना, और बराबर 3 गुना में टी यानी कि थ्री टी यानी कि टीना। ठीक है, अब देखिए अगर मीना को हमको निकालना हो तो हम बताए ना जो मीना का सामने जो डिक है तो वही हो जाएगा मीना का, और टीना का जो सामने इधर देखे हो जाएगा 4। तो बस हो गया, अब पता चल गया कि टीना और मीना का अनुपात मेरा कितना हो जाएगा, 4:3। इसको हम लोग अनुपात अगर हमको कंपलसरी होता है कि इसको एक्स मान सकते हैं अगर अंतर दिया या फिर जोड़ने का बात करें, अगर अंतर जोड़ने के बाद अगर एक्स नहीं मानेंगे तो किसका मान निकालिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि मान नहीं निकलेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। अब देखिए यानी कि अंतर मतलब क्या, घटा, यानी कि 4x में 3x बराबर मेरा कितना दे दिया, 5, यानी कि यही तो ना अंतर ना 5 है। तो अगर घटाना है 4x में 3x, यानी कि x का मान मेरा कितना निकल गया, 5 निकल गया। बस हम आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहिए ना डायरेक्टली आपका 5, और पहले क्वेश्चन जो बताएं 7 ला सकते हैं, लेकिन आप समझिए इसलिए आपको प्रोसेस समझते हैं, कहीं आप फंसने वाले नहीं है, लाइफ में नहीं फंसने वाले, ट्रिक याद नहीं रहता है, तो सब चीज सिखाएंगे। तो एक्स का मान मेरा 5 आ गया। अब जिसका भी मान पूछे टीना या मीना, जिसका भी आंसर हो जाएगा, तो पूछा टीना, तो टीना बराबर मेरा कितना है, टीना बराबर मेरा आ गया 4x। ठीक है, यानी कि 4x का मान कितना, 5, यानी कि 5×20, ई मेरा हो गया आंसर। अगर यही पूछता मीना का, तो मीना बराबर में 3x का मान कितना, 5 आया, तो इसके जगह पर रखेंगे 5×15, ई हो गया मीना बराबर। तो जो पूछे वही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हार्ड लेवल तक क्वेश्चन में जाएंगे, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, जो बोलता है पहले उसको करते चलते हैं। एक आदमी का उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो लड़के का उम्र कितना हो जाएगा, यानी कि बॉय का उम्र मेरा कितना हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे एक्स, तो मैन का मैन कितना हो जाएगा, उसका बाप का या जो भी रहे मैन। ठीक है, तो लड़का अगर उसका पिता ही होगा, छोड़िए जो बोलता है क्वेश्चन में बोले दीजिए, हमको मैन और बॉय देखना है। तो बॉय का जो उम्र होगा ना, जो आदमी का जो उम्र होगा, तो बॉय से कितना है, 24 वर्ष अधिक है। तो ई अगर 24 है यानी कि ई एक्स है, तो ई भी एक्स होगा, इससे 24 वर्ष अधिक, तो +24 समय मार है ना। बस अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बोला कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में हो जाएगी, ये 2 वर्ष मतलब आने वाला है, कि 2 वर्ष बाद बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। 2 वर्ष में यानी कि हुआ नहीं है मैं, तो 2 वर्ष बाद अगर हमको पहले बोलेगा, तो हमने कल क्वेश्चन या पिछला क्वेश्चन में वीडियो में बताए थे कि अगर बाद बोले तो जोड़ना है, अगर पहले बोले तो घटाना है। तो अगर इसका अगर बोलेंगे तब दोनों में ना काम करेंगे, यानी कि एक्स का मतलब क्या, x+2। ठीक है, उसके बाद x+24 और प्लस इसमें भी तो 2 करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं संख्या संख्या को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 24×2 कितना हो गया, 26, दाए 26 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए 26 कैसे है, 2 वर्ष जोड़ेंगे, बात बोल रहा इसलिए। अब देखिए, अब बोलता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 गुना किसका हो जाएगा, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष बाद जो लड़के का उम्र जो है 2 गुना हो जाएगी लड़के की उम्र से। ठीक है, तो इसको करना क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि लड़के की उम्र से 2 गुना, यानी कि इसका उम्र से 2 गुना, तो इसी से ना गुना करेंगे 2, अब बस इसके बराबर इतना मेरा सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, किसका क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर में, तो लड़के की वर्तमान आयु। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 गुना यानी कि 2 दोनों से गुना करना, 2 गुना में एक्स कितना, 2x प्लस 2×4 बराबर कितना, x+26। ठीक है, अब एक्स को बराबर में इधर लगेंगे, तो ये 2x में एगो एक्स जाएगा, कितना जाएगा, एगो एक्स बचेगा ना, यानी कि 1x। अब देखिए 26 में है, और 26 में अगर 4 उधर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर कितना, 26 में 4 जाएगा कितना, 22। ये 22 किसका माना यार, लड़का का, तो हमसे पूछ भी रहा था क्या, लड़के का, तो x जो माने थे तो लड़के का ना था जी, तो इसलिए जो x का जो मान निकलेगा तो वही लड़कवान वही होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं।
बोला कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो माता की जो वर्तमान आयु है ना पुत्री की 3 गुनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पुत्री जो है अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु की थी, जब पुत्री का जन्म हुआ था उसमें पिता की आयु क्या था उसको पता करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए बोल रहा है कि जो पुत्री, पुत्री अभी कितनी है, चलिए पुत्री से ही पकड़ाएगा कैसे होगा। मान लो कि पुत्री अभी दे दिया है हमारा कितना 10 वर्ष दे दिया है, 10 वर्ष दे दिया है, ठीक है। अब बोलता है क्या क्वेश्चन में, जो उसकी माँ की जो आयु होगा ना पुत्री की 3 गुनी है, ठीक है, तो पुत्री मेरा कितना है 10 वर्ष न, इसका 3 गुना मेरा कितना हो जाएगा 30 वर्ष, इस किसका उम्र हो जाएगा ये माँ का हो गया, समझ में आ रहा आराम से, ठीक है, इसका 3 गुनी मतलब माँ का उम्र कितना 30 वर्ष। अब देखिए देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो उसका माँ जो है ना, जो माँ है उसका पति जो है ना 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि पति हस्बैंड में 5 वर्ष का डिफरेंस है, बड़ा कौन है डिफरेंस मतलब उसमें दे दिया है कि पापा जो है इसका 5 वर्ष बड़ा है मम्मी से, तो यानी कि अगर मम्मी का उम्र 30 वर्ष है तो पापा का उम्र कितना हो जाएगा आपका मेरा, यानी कि इसका पापा का उम्र कितना हो जाएगा 35 वर्ष होगा कि नहीं। तो अब बोल रहा है देखिए, अब पापा का उम्र भी पता चल गया 35 वर्ष, तो बोलता कि जब जन्म हुआ था अपना लड़की का उसमें इसका उम्र कितना था, यानी कि पापा का, अब देखिए वर्तमान उम्र कितना है लड़की का 10 वर्ष न, जब वो पैदा हुआ था तो 10 साल पहले जाना होगा कि नहीं, तो बोल रहा कि उस समय जब पैदा हुआ था अभी का नहीं, अभी तो मेरा 10 वर्ष है कि नहीं, बोड़ा कि जब पैदा हुआ था, यानी पैदा हुआ था तब 10 वर्ष का थोड़े ना हो गया होगा, यानी कि बच्चा ही होगा, तो जब पैदा हुआ था तो 10 साल पीछे होगा कि नहीं, अभी वर्तमान उम्र 10 है, यानी कि जब पैदा हुआ था तो 10 वर्ष का होगा वो, तो 10 वर्ष का जब होगा यानी कि इसका तो 10 वर्ष घटेगा कि नहीं, उसमें 10 वर्ष कम उम्र होगा कि नहीं, यानी कि 10 वर्ष कम हो जाएगा तो इसका उम्र कितना जाएगा पापा का 25 वर्ष हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा, अगर आता हो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पिता की आयु है ना अपने पुत्र के 3 गुने यानी कि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि मान लेते हैं कि उसका पुत्र का आयु कितना था, उसका मान लेते हैं पुत्र का आयु जो है 1 वर्ष था, ठीक है, उसके बाद अगर पिता का अगर हम मानेंगे तो पिता का आयु कितना हो जाएगा इसका 3 गुना यानी कि 3x 3 गुना से 3 वर्ष अधिक यानी कि +3, जो क्वेश्चन है बोला दोस्तों उसी प्रकार से करना है, ठीक है प्रोसेस। उसके बाद बोलता है पहले समझ में आ गया ना, जो फिर से बोलते हैं आपको समझ लीजिए, यहाँ पहले समझिए उसके बाद स्टेप बढ़ाते हैं। बोल रहा है जो पिता का उम्र होगा ना अपने पुत्र के आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, यानी कि अगर पुत्र का अगर हम मानते हैं एक्स तो इसका 3 गुना यानी कि 3x, और बोलता है इससे भी 3 अधिक यानी कि +3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो बोलता है कि 3 वर्ष के बाद, देखिए यहाँ बाद आ गया, तो 3 वर्ष का बाद हो गया तो सब में 3 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी कि एक्स प्लस हो गया 3 और इसका हो जाएगा 3x प्लस 3, ठीक है +3 होगा कि नहीं, ये तो ये इबला था ना इबला, उसको प्लस इसमें भी 3 जोड़ेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि जैसे जैसे बोलता है वैसे करते चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, प्रोसेस यानी कि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि जो है पुत्र की आयु है ना इसका क्या है यानी कि 2 गुने से +10 वर्ष अधिक है बराबर इसके के बराबर में, यानी कि क्वेश्चन फिर से देखिए फिर से समझिए, यहां तक तो पहले समझ में आ गया होगा इबला, और इबला इबला कैसे आया फिर से देखिए। बोल रहा है
कि पिता की जो आयु होगा ना पुत्र की आयु के दुगुने से, पुत्र की आयु के दुगुने, दुगुना अगर गुना नहीं देंगे तो चलेगा, ठीक है, इसका मतलब गुना ही होता है, दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि प्लस 10, यानी कि इसके के बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका सॉल्व करेंगे हम, तो इसको गुना करेंगे, दो गुना में एक्स कितना, 2x हो जाएगा, प्लस द्वितीया 6, उसके बाद प्लस 10, ठीक है। उसके बाद देखिए 3x यहाँ हो गया, तीन तीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए x को एक साइड ले जाइए, यानी कि 3x में 2x जगह खाली x बचेगा, सिर्फ x। उसके बाद देखिए 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया कि नहीं। अब 16 में अब इधर उठ के जाएगा तो माइनस में 6 होगा कि नहीं, यानी कि x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? इतना ये सब कर लीजिएगा, ये सब भी पूरा इजी है, समझा के भी किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि x का मान जो है 10 आया है। अब x का मान 10 आ ही गया, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, यानी कि पिता का वर्तमान आयु, इस वर्तमान है था, ये वर्तमान है, पुत्र का भी वर्तमान, तो इसका पिता का पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, यानी कि 3 गुना एक्स का मान यहाँ कितना है, 10 में, तो 10 रखेंगे, उसके बाद प्लस में 3, यानी कि किसका था, ये पिता का था, ठीक है। अब देखिए, यानी कि 3 गुना में 10, यानी कि 30 प्लस में 3 बराबर कितना, 33, यानी कि पिता का उम्र मेरा कितना था, 33 वर्ष, ठीक है, वर्तमान उम्र, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष थी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व दो को बच्चा था, उसका योग कितना था, 18 वर्ष था। 2 वर्ष पहले तो बच्चा की आयु नहीं पता था, तो मान लेते कि इसमें 2 को बच्चा था, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष थी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि तथा जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगी, तो बड़े बच्चों की आयु ज्ञात करें। तो मान लेते हैं ना, बड़े बच्चा का आयु कितना है, एक्स वर्ष है, और छोटा कितना, वाई वर्ष है। अब देखिए देखिए बोलता कि 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग कितना, 18 वर्ष है। तो 2 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है और उसका योग 18, यानी कि पूर्व में अगर बोलेंगे तो माइनस 2 कर सकते हैं कि नहीं, इस पर भी माइनस 2 कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि अगर बात बोलता तो जोड़ते 2, अगर पूर्व बोला कि 2 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का योग कितना है, 18 वर्ष, यानी कि आयु का योग, यानी कि योग मतलब जोड़, इसका उम्र योग कितना है, 18 वर्ष है। अब बस अब इसको निकालिए, x प्लस वाई का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस 2 में माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 इसका उलट के इधर जाएगा, यानी कि लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 और माइनस 2 कितना, माइनस 4, ठीक है, बराबर में 18। और मैं स्टेप बाई स्टेप समझा रहा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर हम लोग 18, अगर माइनस 4 है, अगर बराबर का उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा कि नहीं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का मान मेरा 18, 4 कितना, 22 हुआ, यानी कि x प्लस वाई का मान हमको 22 चल गया। अब आगे भी क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो बोलता है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का रह जाता है, यानी कि दोनों का आयु हम लोग कितना माने थे दोस्तों, यानी कि एक x एक y माने थे कि नहीं, तो दोनों का आयु का अंतर कितना हो जाता है, यानी कि x माइनस y का अंतर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो बस आप देखिए, इस समीकरण 1 बन गया, इस समीकरण 2 बन गया, बस आपको प्रोसेस से समझा रहे हैं, बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट इज पावर, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो कहीं एग्जाम में आप फंसिएगा नहीं, और जितना स्पीड बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना स्पीड बनाइएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको यहीं कर देते हैं, दूसरा जगह क्या लिखते हैं। अब देखिए, यानी कि वाई वाई में खत्म हो गया, प्लस माइनस में एक्स एक्स, यानी कि 2 वो एक्स, यानी कि 2x बराबर हम लोग 22 तो 2 जोड़ेंगे तो कितना, 24 हो गया। तो एक्स का मान मेरा कितना का, 24 बटे 2 बराबर कितना, 12, यानी कि एक्स बराबर 12 आइए गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़े बच्चे की आयु, यानी कि बड़का का हम लोग क्या माने थे दोस्तों, एक्स ही ना माने थे जी, या दूसरा का वाई माने थे, तो बोला कि बड़का, तो ऐसे एक्स का ही मान निकला बड़ा का, तो बस बड़ा का निकल गया। अगर बोला जाता
कि y का मान क्या होगा छोटका y, तो x का मान क्या रखते हैं, एगो समीकरण में रख के रख देते हैं और उसको पुट कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। तो बस उसको करना ही नहीं था हमको, सिर्फ बड़ा का पूछा रहा था, तो बड़ा ही हम लोग क्या मान के रखे थे, x ही तो माने थे ना उसको। तो चलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को यही अंत करते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो, फिर से बोलते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी को हम यही अंत करते हैं। हाँ दोस्तों, और जीके का क्लास भी आने वाला है बहुत जल्द, 2 से 3 दिन का यानी कि अंदर आपका जीके का क्लास आएगा, उसमें मज़ा आएगा, मजा आएगा तो मजा आएगा। तो चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।